दोस्तों, गार्डनिंग में पॉसिबिलिटीज़ से इंकार नहीं किया जा सकता। इसमें अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। जब हमारा इसमें कोई लॉस हो जाता है तो उसी लॉस में से कुछ बेनिफिट्स भी निकल आ जाते हैं। इसी तरह हमारा भी साइकिल प्लांटर नीचे गिर गया और उसके जो सारे प्लांट्स हैं वो बाहर निकल आए। इन्हीं प्लांट्स में से एक प्लांट के साथ हम मिनिएचर मैमे बोनसाई बनाने का सफ़र आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बागवानी का शौक़ रखने वाले सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नैन, आप सबका स्वागत करता हूं ब्लूमिंग यार्ड में। दोस्तों, मैमे बोनसाई बनाने के लिए जो भी गार्डन एसेट्स, टूल्स और सोइल की रिक्वायरमेंट है वो पहले से हमने एक जगह इकट्ठी कर ली है। चलिए, इसमें यूज़ होने वाली हर चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और उसका काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये बोगनविलिया का प्लांट है जी, साइकिल प्लांटर में लगा हुआ था। जैसे साइकिल प्लांटर गिरा, ये प्लांट बाहर आ गया। और जहाँ पे हम गार्डनिंग का सामान रखते हैं वहाँ से ये एक टूटा हुआ मटका लेके आए हैं टेराकोटा का, और एक ये टेराकोटा प्लांटर जो कि अभी खाली पड़ा था। कॉन्सेप्ट की अगर दोस्तों बात करूँ तो मैं इसको इस टेराकोटा पॉट में इस तरीके से रखने की सोच रहा हूँ। और बोगनविलिया प्लांट को थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पे लगाने की सोच रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक आई पोकर ब्रांच है, डेडवुड है वैसे भी, ये इसको काट देते हैं पहले तो। और पिछले जो फॉल हो गए थे उनकी कुछ टहनियाँ बाकी हैं, उनको काट देते हैं। बसंत शुरू होने से पहले दोस्तों इस प्लांट की हमने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, जहाँ पे फूल बाकी थे वहाँ से हमने नहीं काटा था। दोस्तों, कोई अलग से सोयल मिक्सचर मैंने बनाया नहीं है, जो साइकिल प्लांटर के गमलों में मिट्टी यूज़ हुई थी उसी मिट्टी को मैं सुखा के दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बड़ी मात्रा में जो है वो रिवर सैंड यूज़ हुआ है, और मैंने गोबर की खाद ली है जी, वर्मी कंपोस्ट ली है, और थोड़ी सी इसमें मिली हुई है जी नीम की खाद। दोस्तों, हम वही एसेट्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास मौजूद है, ना तो हम बोनसाई पॉट यूज़ कर रहे हैं और ना बोनसाई सोल यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, बोनसाई बनाने की जो आर्ट है उसका इन्वेंशन जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, पर बाद में हम कह सकते हैं कि जापानियों ने इस कला में अपना हक सा जमा लिया है, इस कला को जापानियों ने अडोप्ट कर लिया है। हम टेम्परेरी बेस पे ये पत्थर लगा रहे हैं ताकि जो प्लांट है वो इससे ज़्यादा टिल्ट ना हो, इससे ज़्यादा टेढ़ा ना हो। दोस्तों, जो मैमे बोनसाई है वो बोनसाई की आर्ट में दूसरे नंबर का सबसे छोटा प्लांट माना जाता है। हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक के जो बोनसाई होते हैं वो मैमे बोनसाई होते हैं। अगर मैं पहचान की बात करूँ तो जो इनके गमले होते हैं वो आपकी हथेली में अच्छे से आ जाएंगे, बस आपके हाथ पे अच्छे से आ जाएंगे। आप इनको अपने हाथ पे कैरी कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो स्टडी टेबल्स पे या ऑफिसेज की टेबल पे आप टेबल टॉप बोनसाई देखते हैं वो मैमे बोनसाई होते हैं दोस्तों। फिर 7 सेंटीमीटर से जो बड़े बोनसाई हो गए जी वो हो जाते हैं नॉर्मल बोनसाई। और दोस्तों, जो सबसे छोटे बोनसाई होते हैं वो होते हैं जी सीटो बोनसाई, उनकी पहचान ये होती है वो बिल्कुल ही 1 या 2 इंच के होते हैं और इतने छोटे से पॉट में होते हैं कि आप उन्हें अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने पत्थर पकड़ा हुआ है और मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ इस प्लांट को सहारा देने के लिए। दोस्तों, प्लांट का जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है और इसकी चलने की उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है। चलिए, अब बारी है इसमें पानी देने की, और इसे पानी से तब तक भरते रहेंगे जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी निकल ना जाए। दोस्तों, 2 बार पानी से भरने के बाद ड्रेनेज होल से जो पानी है वो निकलने लग गया है।
दोस्तों इस टाइम हमारे पास गार्डन पेबल्स नहीं है, गार्डन स्टोन्स नहीं है, हम मिनिएचर हर्ट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें छोटा बुद्धा या कोई गार्डन रॉक, जिससे कि नेचुरल दिखे ये मिनिएचर, इसमें रख सकते हैं हम। पर जो हमारे पास अवेलेबल है चीज़, वही हम रख रहे हैं इसमें। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और भी पॉसिबिलिटी है प्लांट में। वायरिंग का इसका स्ट्रक्चर अभी नहीं है और ट्रंक भी इसका इतना मोटा नहीं है कि इसे बोनसाई बोला जा सके। पर प्लांट को बचाने के चक्कर में और ये सारी अरेंजमेंट यूज़ करने के चक्कर में हमने इसका मिनिएचर मैमे बोनसाई बना लिया है। इस मिनिएचर को मैं एक वाइट बैकग्राउंड के सामने रख देता हूँ ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से दिखे। दोस्तों इस टाइम जो है सन रेज इस प्लांट पे सीधी पड़ रही है, पर इसको अंडर शेड हम इस प्लांट को रखेंगे अभी। एक तो रिपोर्टिंग की है, दूसरा वैसे भी ये प्लांट काफ़ी डिस्टर्ब है, रूट बॉल काफ़ी हिल गई है इसकी। दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैमे मिनिएचर बनाने के इस सफ़र में जुड़ने के लिए आप सबका सहप्रेम धन्यवाद।